दोस्तों हमारे फिल्म स्टार्स, हमारे हीरोज जो होते हैं, उनका टैलेंट तो आपको पसंद होता ही है, उनके चेहरे से भी आपको मोहब्बत हो जाती है और इसलिए आप हीरो वर्शिप करते हैं, उन्हें अपलोड करते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। इन सब चेहरों में से एक ऐसा चेहरा है जिन्हें हीरोइंस बहुत ज्यादा पसंद करती है, शायद इस वजह से वो उस चेहरे को उन्हें जितना किस करना है किस करने देते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं सीरियल किसर इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है और वो भी सिनेमाघरों में। ऑफकोर्स महाराष्ट्र में सिनेमाज बंद है इसलिए महाराष्ट्र में नहीं होगी, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में, मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया में वो इस शुक्रवार को रिलीज होगी। तो आज हमारे साथ है इमरान हाशमी, लेट्स वेलकम हिम। इमी, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू कोमल। इमरान, आपकी चेहरे इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो माहौल चल रहा है कंट्री में, 50% ऑक्यूपेंसी, महाराष्ट्र में सिनेमास खुले ही नहीं है, कुछ जगह पर कुछ छोटे सर्किट्स में भी नहीं खुले हैं, एंड कहीं कर्फ्यू, नाइट शोज नहीं होंगे, ऐसे माहौल में फिल्म आपकी रिलीज हो रही है, तो डर ज्यादा है दूसरी फिल्मों से? नहीं, डर नहीं है। अगर डर होता तो हम शायद फिल्म रिलीज नहीं करते, और मैं शायद एक ही आर्टिस्ट हूँ जिसकी दो दो फिल्में रिलीज हुई है। मुंबई सागर रिलीज हुई थी मार्च में और ये सेकंड फिल्म है। आई बिलीव कि एक तरह से रूल्स चेंज हो गए हैं, खेल बदल गया है और हर चीज प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक हो गया है। अभी अगर हम वही वैल्यूज, वही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें जो 2000 में था या 2019 में था, तो ये बहुत ही एक तरह से शॉर्ट साइडेडनेस है। हमें एक तरह से बदलना पड़ेगा। और अगर हर आर्टिस्ट, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि यार ठीक है, मैं फिल्म यहाँ पे रिलीज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो मैजिकल फर्स्ट डे नंबर चाहिए, तो इसका किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उस तालाब से लोग कब आएंगे थिएटर्स में। शायद 2 साल के बाद, शायद 1 साल के बाद, शायद 6 महीने के बाद, ये पता नहीं है। शायद चेहरे से, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये चीज कब खत्म होगी। कोविड का सिचुएशन, एक फियर जो है ऑडियंस में, बट आई थिंक समवन नीड्स टू मेक अ स्टार्ट। और क्यूडॉस टू प्रोड्यूसर्स जैसे आनंद जी हो, भूषण, ऑल द अदर प्रोड्यूसर्स जिन्होंने इस माहौल में अपनी फिल्मों को रिलीज किया है, क्योंकि दे अंडरस्टैंड दिस इन व्हाट स्पिरिट दे आर कमिंग आउट। इट इज टू सपोर्ट थिएटर ओनर्स। ये एक सिनर्जिस्टिक बिजनेस है, एक को डिपेंडेंसी है इन दो एंटिटीज के बीच, थिएटर ओनर्स और फिल्मों में, और अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इट विल बी दे विल शट शॉप वेरी सून। तो बेबी स्टेप्स हो, कलेक्शन ट्रिकलिंग इन द बिगिनिंग, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्में रिलीज नहीं हो रही है थिएटर्स में, बिकॉज थिएटर्स आर आवर फर्स्ट लव। बिल्कुल। एंड मेरे ख्याल से पब्लिक का भी फर्स्ट लव थिएटर्स ही है। इमरान, आपने इस पहले सवाल के जवाब में ये कहा था कि प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक हो गया है, हमारी लाइफ्स भी चेंज हो गई है। आपकी लाइफ, फॉरगेट द फिल्म इंडस्ट्री, वैसे आपकी लाइफ लॉकडाउन के बाद कुछ ज्यादा चेंज हुई है? आई थिंक हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगा हूं मैं, पहले से भी ज्यादा। ऐसा नहीं था कि मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना, कि यू नो ये इस चीज में विश्वास है। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रोटोकॉल होता है कोविड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है कि हाउ डू यू बिल्ड योर इम्यूनिटी। तो हमारी पूरी फैमिली ने एक तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें की है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द डिजीज एंड ट्रीटिंग इट, इट्स टू अवॉइड गेटिंग द डिजीज, कि आप अपने खुद के इम्यूनिटी को किस तरह स्ट्रांग रखें। और ज्यादातर बहुत सारे लोग इस बात के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, तो बस वही है। और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत केयर लेना, क्योंकि मेरे घर पे मेरे फादर हैं, मदर इन लॉ, मेरे बेटे हैं, तो इनकी हेल्थ का ध्यान, ऑफ कोर्स खुद की हेल्थ का, वाइफ की भी हेल्थ का ध्यान हमें रखना है, बट टू नॉट गिव इट टू पीपल हु आर ससेप्टेबल टू गेटिंग द डिजीज, और फिर इसके बाद यू नो यू फील समवेयर अ सेंस ऑफ गिल्ट। तो प्रिकॉशंस लेने बहुत बहुत जरूरी है, एंड आई जस्ट स्टिल सी इट अराउंड कि लोग बहुत ही केयरलेस हैं,
सिर्फ हमारे देश में एवरीवेयर एल्स कि आप एक तरह से खुद के लिए नहीं यू नॉट रियली रिस्पेक्टिंग समवन एल्सेस नीड टू हैव गुड हेल्थ कि आप बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं सब जगह उनको लगता है कि हमें कोविड नहीं होगा या हमें हो गया है बट दे कैन स्टिल बी इन्फेक्टेड एंड पास ऑन द डिजीज ये चीज लोग समझ नहीं रहे और सेकेंड और थर्ड बार भी हो रहा है लोगों को एक्चुअली इमी मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट पर एक अलग ही वीडियो बन सकता है इमी ऑन इम्यूनिटी वो बाद में बात करेंगे मुझे ये बताइए चेहरे आपने साइन जब की इसलिए की क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया जा रहा है एंड इन अ वेरी की रोल ऐसा नहीं है कि आपका रोल एकदम छोटा है अमिताभ बच्चन एंड आप मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं फिल्म देखने के पहले पब्लिक ने फिल्म नहीं देखी इसलिए मैं कुछ और आउट नहीं करूंगा लेकिन इसलिए आपने साइन की इमीडिएटली कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ आप कास्ट हुए हैं या फिर कहानी सुनी और कहानी में ऐसा क्या लगा मतलब व्हाट वाज द मेन रीजन व्हिच ड्रोव यू ये एक बहुत बहुत बड़ी वजह है कि ये मैंने फिल्म अमित जी के लिए की क्योंकि मैं ऑब्वियसली इनकी सारी फिल्में देख चुका हूँ जब से मैं 7 साल का था मैंने इनकी फिल्में आई यूज़ टू सी फिल्म रिपीट एज अ किड और मैंने इनको कहा भी है कि मैं जब स्कूल से वापस आया करता था तो मैंने कुछ शोले कुछ 100 मरतबा देखे होंगे आई इट्स नॉट इन लंच लंच कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टिल आई डोंट वॉच शोले या नटवरलाल ये दो फिल्में मेरी फेवरेट फिल्म्स थी ऑफ मिस्टर पटेल तो जब भूमि जी और पहले आनंद जी आए थे घर पे उन्होंने कहा कि ये अमित जी के साथ है तो मैंने प्री डिसाइड कर लिया था कि यार ये फिल्म करनी है और मैंने प्री डिसाइड ये भी कर लिया था कि ये फिल्म है कॉमेडी फिल्म है क्योंकि रूमी जी बैठे थे रूम में मुझे लगा कि हियर इज अ पर्सन हु इज मास्टर्ड कॉमेडी उन्होंने इस देश की सबसे बेहतरीन कॉमेडीज लिखी हैं और ये शायद डायरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉमेडी ही होगी बट जब उन्होंने नरेशन शुरू की दिस वाज सच अ यूनिक एक्सपीरियंस एज अ लिसनर जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी रूमी जी व्हाट अ फिल्म और आप जितने ही अच्छे कॉमेडीज में उतने ही अच्छे आप थ्रिलर्स में भी आई वॉज शॉक्ड आफ्टर दैट मीटिंग और मैं जनरली एक या दो दिन लेता हूँ डिसाइड करने के लिए लेकिन मैं तभी आनंद जी और रूमी जी को कह दिया था कि आई एम ऑन फॉर दिस फिल्म डेट्स ले लीजिए लेट्स स्टार्ट शूटिंग दिस एज सून एज पॉसिबल वाओ फैंटास्टिक और वो दिन याद है जब पहली मर्तबा आपने बच्चन साहब के साथ शॉट दिया जी ये जो मेन जो सेक्शंस हैं फिल्म की जो ड्यूल है जो ये मॉक कोर्टरूम का ड्रामा चल रहा है ये एक घर में शूट किया गया है तो पावर पैक सीन्स थे बहुत सारे डायलॉग्स थे बट वेरी इंटरेस्टिंग वेरी पोएटिक डायलॉग्स इट रियली होल्ड्स यू एज अ व्यूअर एंड एज अ लिसनर करेक्ट मैं पूरा प्रेप होके आया था शूटिंग पर मैंने एक्चुअली रूमी जी को कहा था कि मैं इतने धुरंधर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ कि यार आई होप आई डोंट गेट लॉस्ट इन दिस मुझे आपकी फिल्म को नुकसान नहीं पहुंचाना है बिकॉज आई एम दी पर्सन द लीस्ट एक्सपीरियंस आपके सेट पर यहाँ एक्टर्स हैं जो 30-40 साल का एक्सपीरियंस है इनका मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है आई होप आई डोंट रूइन योर फिल्म तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये स्क्रिप्ट दे दीजिए 25 दिन पहले मुझे इस फिल्म को एक स्टेज प्ले की तरह मुझे लर्न करना है तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट जो है डायलॉग्स पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक आई लर्न द एंटायर थिंग अप आई डिडंट टेक माय स्क्रिप्ट ऑन सेट आल्सो मुझे डायलॉग्स इतने ही अच्छी तरह पता थे लाइक फ्रॉम द बिगनिंग एग्जैक्टली वेयर व्हाट पॉइंट व्हाट व्हाट द कैरेक्टर विद द आर्क लेकिन वो डर गया नहीं जब मुझे पता था कि मैं अमित जी के साथ और पहले दिन का ही था आई रिमेम्बर 12 बजे हमने शॉट लिया था यही फियर था कि अमित जी की आंखों में देखकर हियरिंग हिज वॉइस मैं अपने डायलॉग्स नहीं भूल जाऊं मैंने यू नो वी सच फैंस ऑफ हिम इतना सरियल है उनके सामने ये डायलॉग्स कहना और मैं चिल्ला रहा हूं उन पर ये वाज नॉट फीलिंग राइट तो बस यही दिमाग में था कि बस पहली तीन लाइन अगर मैं कह दूं उनके सामने तो नर्वसनेस चली जाएगी थैंकफुली इट वेंट ऑफ स्मूथली एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वो जो 40 दिन हमने सेट पर इतने डायलॉग्स हैं और इतना मजा आया great scenes between all of us it was just fantastic superb you know aapne kaha ki maine script 25 din pehle mangayi aur sare dialogues start se end tak pad liye
तो कहीं आपको अपने स्कूल एंड कॉलेज डेज याद आए जब स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पर रट्टा मारते हैं? मैं एक्चुअली लास्ट मिनट पे रट्टा मारता था, और ये आईसीएसई की देन है कि रट्टा मारना हमको अच्छा आता है। ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डायलॉग्स को एक तरह से इतनी अच्छी तरह सीख लूं कि वो प्रेशर जो है निकल जाए। देन आई कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई कैरेक्टर एंड जो डायनामिक्स है सीन में इन कैरेक्टर। सो रिमूव दैट स्ट्रेस इन द वेरी बिगनिंग। तो ये हमेशा आपका प्रेपरेशन रहता है जब भी आप कोई फिल्म साइन करते हैं? इट इज द सेम फॉर्मूला? नो नो, इट्स डिफरेंट फॉर सम फिल्म्स, लेकिन ये फिल्म बहुत ही डायलॉग हैवी थी और लगातार शूटिंग हो रही थी, लाइक वन आफ्टर द अदर वी हैड डेज वेयर देयर वर दीस पावर पैक सीन्स। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पैकअप हो और फिर अगले दिन की डायलॉग्स में लर्न कर रहा हूँ गाड़ी में या वापस घर जाके, बिकॉज सेट हमारा बहुत दूर था, मडाइलन में था। तो I wanted to just switch off after every day work. It was बहुत ही emotionally charged performance थे सब लोगों के लिए रोज। तो I felt that I should just kind of get the dialogues out of the way as soon as possible. Set मडाइलन में था, लेकिन outdoor shooting Slovakia में की आप लोगों ने, Poland में? Slovakia में थी, हमने दिल्ली में shooting की है, और Slovakia में almost I think 12 दिन का schedule था, तो पूरा climax का और exterior shots थे। मुझे एक आप बता सकते हैं कि इस फिल्म का टाइटल, ऑफ कोर्स लोगों ने देखी नहीं है, चेहरे क्यों हैं? आई थिंक एक पॉइंटेड पॉइंट है इस फिल्म में, अलग अलग चेहरों के बारे में, जो असली चेहरा क्या होता है। हम वो कभी असली चेहरा लोगों को दिखाते नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जापानीज प्रोवर्ब, एक्चुअली मैं रूमी जी को तभी, फिल्म का टाइटल चेहरे नहीं था, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या टाइटल होगा। पहला टाइटल था बर्फ इस फिल्म का। फिर जाके शूटिंग के दौरान, क्योंकि हम इतना डिस्कस करते थे चेहरों के बारे में, और यू नो वी वर कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग, बिकॉज इस फिल्म के डायरेक्टर, थ्री वेरी मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स इन दिस फिल्म, एक तो स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंसेस और विजुअल एस्पेक्ट, कि द फेसेस शुड बी लिट अप इन अ वेरी वेरी मिस्टीरियस एंड एनिग्मेटिक वे। तो मैंने एक रूमी जी को एक प्रोवर्ब भेजा था, जापानीज प्रोवर्ब, जिसका कॉन्टेक्स्ट था कि वी हैव actually these three faces, one is the face that we show to our friends and family, there's one face that we show to strangers, and there's one face that we don't show anyone, that is our true self, that is our real face. Aur ye character kahi tarah se Amit ji ka ek mission hai ki is chehre ko, mere chehre ko kahin benakab kare, kyunki wo kuch dikhta hai, aur wo kehte hain ki unka ek funda hai, wo kehte hain ki किसी भी सक्सेसफुल आदमी औरत के पीछे उसने कभी ना कभी ही हैज रॉन्ग समवन और शी हैज रॉन्ग समवन, और एक साइलेंट क्राइम किया होगा या सीरीज ऑफ क्राइम्स। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो बकवास बात है, मैंने शायद अपनी लाइफ में शायद सिर्फ कुछ सिग्नल्स तोड़ी होंगी, मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया। तो वो कहता है फिर आप आइए अरीना में, खेलिए खेल हमारे साथ, आई विल ग्रिल यू एंड आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स। तो इट्स अबाउट अनमास्किंग दिस मैन, और इस कहानी के दौरान आप इन अलग अलग कैरेक्टर्स के भी रियल तरह से उनके चेहरे उनको आपको नजर आएंगे इन द फिल्म। दैट्स इंटरेस्टिंग। यू नो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं रट्टा मारता था, यानी आप स्टडीज में अच्छे थे? यू वर अ गुड स्टूडेंट और अ वेरी गुड स्टूडेंट? आई वाज नॉट ग्रेट एकेडमिकली। आई इन माय 10th स्टैंडर्ड आई गॉट 71%, और या आई कैन से डीसेंटली वेल। क्योंकि आपकी ये फिल्म चेहरे लीगल एंगल पर बातें करती है, ट्रायल्स, कोर्ट रूम वगैरह वगैरह वगैरह, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील टू मच ऑल्दो आई हैव सीन द फिल्म। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, लॉ बेस्ड फिल्म या लीगल वाली फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? दिस इज अमेरिकन फिल्म दैट कम्स टू माइंड। दिस इज वन, दिस इज अ कॉमेडी व्हिच इज माय कजिन बेनी, आई एम श्योर आपने देखा होगा। माय कजिन बेनी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। लिंकन लॉयर, पता नहीं क्या आपने देखी होगी फिल्म लिंकन? नहीं नहीं देखिए। ओके, लिंकन एंड ऑफ कोर्स अमित जी इज फिल्म पिंक। पिंक, yeah, that's another great film. ठीक है, ठीक है। Second question, आपका
नॉलेज अबाउट लॉ, इंडियन लॉ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन कानून के बारे में आपका नॉलेज कैसा है? I'm guessing very bad. मगर आप पूछ सकते हैं, I'm sure I'll fail miserably, but I'll try. अच्छा, आपने कोई कानून तोड़ा है, वो एग्जाम्पल दीजिए, छोटा मोटा कोई भी कानून कभी तोड़ा है? जैसे फिल्म में कहता है डायलॉग की वो, कभी कभार मैंने शायद जब गाड़ी चलानी शुरू की थी तब शायद कुछ सिग्नल्स तोड़ी होंगी मैंने. अच्छा अच्छा, यू नो इंग्लिश में कहावत है लॉ इज एन एस. आप मुझे समझा सकते हैं कि ऐसी क्यों कहावत है, मतलब ये प्रोवर्ब या ये लॉ इज एन एस, एस डोंकी, लॉ इज एन एस. इंटरेस्टिंग वन, बट आई डोंट नो व्हाई दैट इज अ प्रोवर्ब. सोचिए, गेस करना है या गिव अप? No, I'm out. I don't know. Okay. मैं बताता हूँ. Ass यानी donkey, और donkey को आप equate करते हैं with obstinacy, बहुत rigid होते हैं, stupid होते हैं. तो law भी उसी तरह है. कभी कभी law apply होता है in a very rigid and stupid style. अच्छा, cinema, हम cinema से जुड़े हैं और कानून की आपकी फिल्म है, तो cinema के लिए, एक cinema hall के लिए कानून का क्या वास्ता होता है? कोई भी एक स्फीयर या एक एरिया में कहां सिनेमा ओनर को कानून की जरूरत पड़ती है? कानून की जरूरत पड़ती है और जो नियम होते हैं क्या फॉलो करते हैं? एग्जैक्टली, हां, कुछ भी. आई थिंक ये जो डिविजन होता है फिल्मों का रेटिंग्स, वो शायद अगर एक आई डोंट नो अगर ये इंप्लाई होता है बहुत सारे थिएटर्स में हमारे देश में, बट अगर आप अब्रॉड जाएंगे और आप लीगल एज आपका फिल्म का 18 प्लस है तो आपको आईडी दिखा के आपको थिएटर में जाना पड़ेगा. आपको सीरियल किसर का खिताब दिया गया है. एमी, मुझे ये बताइए, सीरियल किसिंग तो आपने बहुत फिल्मों में की है, लेकिन कानूनी तौर पर अकॉर्डिंग टू लॉ एक इंसान एट एनी टाइम कितनी बार किस कर सकता है? I don't know, there's a law to that. I think if there's a law to that, then I have broken every law in this country. I should be arrested immediately. I will turn myself in. I don't know there's a law to this. No, there isn't. मैं आपको confused करने की सोच रहा था. आप सोचते हैं there could be a law to decency. Public places mein doing yes. these things probably, and it gets stricter in some countries like Middle East mein aap nahi kar sakte. You can actually get arrested in a lot of cities in Middle East. Okay, agla sawal, aam insaan ke liye, India mein aam insaan ke liye, aise teen actions bataiye jahan par unhe kanoon ke bare mein dhyan rakhna padta hai. They have to be careful ke law hai. Freedom of speech. Yeah. I guess also as far as licenses for automobiles go, that in itself is the law. Correct. और जो शायद यहाँ पे ज़्यादा implement नहीं होता है, but that's littering also. There's a law for that. But क्या बात? Anyways, हमारे देश में बहुत सारे लोग litter करते हैं. They jump that. चलिए, very nice. And last सवाल, हम कहते हैं ना, ये तो 420 है. ये आदमी तो 420 है. तो 420 है, 420 है, क्यों ये नंबर ही क्यों? Maybe there is something in the law books which is got to do with any kind of fraud. Yes. So tell me what is it? Tell me what is it? So you logically आपने सही कहा है, लेकिन सही आंसर क्या? What exactly is the crime? Section 420? Cheating? I'm cheating and fraud? क्या बात है? That's a guess by the way. मुझे पता नहीं था. I guess that. तो ना सिर्फ आपका नॉलेज अच्छा है, आपका सेंस ऑफ लॉजिक भी बहुत बढ़िया है. सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है, इट डील्स विद चीटिंग वगैरह वगैरह वगैरह. इसीलिए जो भी चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, हम उसे शॉर्टकट में बोलते हैं ये तो 420 इंसान है. मजा आया इमरान आपसे बातें करके, एंड ये रैपिड फायर में तो और भी मजा आया. लेट मी टेल यू, अगर आप आमने सामने होते तो आपका एक गिफ्ट हैम्पर बनता, लेकिन वो यू रहा, बिकॉज़ योर परफॉर्मेंस इन दिस रैपिड फायर राउंड वाज सुपर्ब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड हियर्स विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर चेरी एंड फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, थैंक यू. तो दोस्तों, ये थे इमरान हाशमी. कैसी लगी हमारी बातचीत विद एमी?
कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है इमरान हाशमी यानी अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की चेहरे, तो सिनेमा घर में जाकर देखिए चेहरे को। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।